अब खबर सिरसा से। सिरसा जिला ने एक बार फिर से गेहूं के उत्पादन में इतिहास रच दिया है। सिरसा प्रदेश में गेहूं की आवक में पहले स्थान पर आया है, जिसे लेकर किसानों में खुशी का माहौल है। सिरसा में देश के अन्नदाता ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। यहां किसानों ने इतना गेहूं उत्पादन किया है कि सिरसा प्रदेश में गेहूं की आवक में प्रथम स्थान पर आ गया है, जिससे किसान बेहद खुश हैं। अब तक सिरसा जिले में 1,08,00,000 टन से ज्यादा गेहूं की आवक हो चुकी है। इस बार मौसम बहुत ही बढ़िया रहा। मैंने 5 एकड़ में कणक बो रखी थी और मौसम में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ज्यादा गर्मी नहीं हुई, नहरी पानी बढ़िया रहा है, तो बढ़िया फसल हुई है। और सिरसा डिस्ट्रिक्ट पिछली बार भी नंबर वन था, अब की बार भी नंबर वन है, तो बहुत ही खुशी है। अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार इस बार जो है मौसम कणक गेहूँ के अनुकूल रहा है, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, नहरी पानी जो है किसानों को समय पर मिलता रहा है, जिससे पैदावार की अच्छी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 15 मई से गेहूँ की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा बंद कर दी गई है, लेकिन अधिकारियों को अभी और भी गेहूँ की आवक की उम्मीद है। किसानों पर इस बार मौसम भी मेहरबान रहा, जिसकी बदौलत किसानों के खेतों ने खूब सोना उगाया। टोटल अराइवल 1,08,00,000 क्विंटल हुई है। उसमें अगर हम कमेटी वाइज उसका सिस्टम लें तो उसमें सिरसा मार्केट कमेटी के अधीन 23,42,000 क्विंटल, डबवाली के अंदर 27,64,000 क्विंटल, कालावाली में 19,89,000 क्विंटल, एलनाबाद में 14,00,000 क्विंटल, रानिया में 18,41,000 क्विंटल और डिंग में 5,25,000 क्विंटल गेहूं की आवक रही है। सिरसा जिला पिछले 4 सालों से लगातार गेहूं के उत्पादन में प्रदेश में नंबर वन पर रहा है। मार्केट कमेटी के मुताबिक कुछ किसानों ने अभी भी गेहूं का स्टॉक रखा है, जिसे अभी मार्केट में आना बाकी है। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा।